हेलो गाइस, तो जो हमारी एक FLT 66 नंबर का छूट गया था वो आज डिस्कस कर लेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक पूरी FLT अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। छठा वाला छूटा था, उसमें एक एडिशनल पेपर वो डाला हुआ है, एक FLT और है, तो 11 FLT है। मैं प्लेलिस्ट भी आज अपडेट हो जाएगी आपकी, तो ये पूरा FLT वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और नए कुछ टेस्ट शुरू करेंगे हम लोग अब टॉपिक वाइज, कुछ MP GK के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के यूनिट वाइज मैं ले लूँगा, और भी दूसरे जो हैं वो भी ले लूँगा। और दूसरी बात आपको ये बताने थी कि आप जब वीडियो देखें तो उसको स्पीड थोड़ी सी 1.25 बढ़ा लीजिए करें, तो उससे क्या होगा कि 5-7 मिनट आपके बच जाएंगे, और 1.25 में एक बढ़िया कंफर्टेबली आपको ऑडिबल और स्पीड बढ़िया रहेगा, और स्पीड भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी आसानी से समझ में आते जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ही क्वेश्चन है, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, MP GK से स्टार्ट है क्वेश्चन। कायथा स्थित कहाँ पर है? तो कायथा एक चालकोलिथिक ताम्रपाषाण एक साइट है, ठीक है, कॉपर एज की, मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जनपद अवंती का वर्तमान क्षेत्र उज्जैन है, तो सिंपल सब लोग जानते हो, अवंती पुराना नाम भी था उज्जैन का, ठीक है ना। और आपका जनपद पीरियड से भी संबंधित है, दो जनपद मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, एक अवंती और दूसरी चेदी, ठीक है। चेदी की कैपिटल सुक्तिमती या सुक्तिमती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एरन अभिलेख कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सागर में है, और सागर का पुराना नाम आप लोग जानते हैं, स्वभोग नगर भी नाम से भी सागर को जाना जाता था, स्वभोग नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, स्टार मार्क कीजिए। वीर सिंह बुंदेला नहीं है, ठीक है, रुद्र प्रताप बुंदेला हैं, और यही इस डायनेस्टी के हाँ, तो यही इस डायनेस्टी के फाउंडर भी थे, ठीक है। 1531 का समय की बात है ये, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला नहीं है, आपको याद रखना। किसने ओरछा को राजधानी बनाया था? रुद्र प्रताप बुंदेला, रुद्र जी हैं ये, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायनेस्टी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो डायनेस्टी से संबंधित हिस्ट्री में क्वेश्चन आने के चांसेस के आएगा ही सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मवीर का प्रकाशन किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मॉडर्न इतिहास से, नागपुर में हुआ था, और इसका कार्यकाल था 1905, और 1905 में आप लोग जानते क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? ये टफ क्वेश्चन है, तारीख वाले दोनों नीचे के, लेकिन अगर आप लोगों को ईयर भी पता है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो 1942 6 सितंबर को हुआ था इंदौर का सराफा कांड, और 1942 में वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट इस साल से शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो इसका भी अगर आपको ईयर पता है तो आप कर लोगे, 14 जनवरी 1931 का समय था ये, ठीक है। चरण पादुका आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव महान सेनानी और क्रांतिवीर कुंवर चैन सिंह साहब को है। ये नरसिंहपुर के राजा थे, नरसिंहपुर जिले के, उस समय पर रियासत हुआ करती थी। और इन कुंवर चैन सिंह और इनकी आपको जो समाधि है वो मिल जाएगी देखने को सीहोर में, इनके कुत्ते शेरू के साथ। इनके कुत्ते शेरू ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था, ठीक है, दोनों को अंग्रेज़ों ने हत्या कर दी थी। कालिदास बहुभूति बाणभट्ट किस काल के कवि हैं? तो प्राचीन काल के कवि हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आधुनिक में सारे हमारे सुमित्रा कुमारी चौहान, शिव मंगल सिंह सुमन, ये सब आ जाएंगे, और मध्यकालीन में केशवदास और ये सब, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, देखो एक बांध भी है इंदिरा गांधी के नाम पे, और एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, और संग्रहालय पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पिछला साल आया था। तो संग्रहालय जो है आपका भोपाल में देखने को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छे बड़े इलाके में है। देखने का मुझे तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं जिस दिन गया उस दिन बंद था, बाहर से देखा काफ़ी बड़े इलाके में और शानदार बना हुआ है। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता था, स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा जाता था। कुछ नहीं टर्म है ये, तो अभी रटने वाला क्वेश्चन था, इसको कुछ अपन आगे पीछे लिंक नहीं कर सकते। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बोध संगति की अध्यक्ष किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी टेस्ट में क्वेश्चन आया था आपको, अध्यक्ष लोकेशन कहाँ पे हुई थी और किस राजा के कार्यकाल में करवाई थी या किसने करवाई थी, ये बुद्ध में आपको याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। मेगस्थनीस की पुस्तक का नाम सब लोग जानते हैं, इंडी का, सिंपल क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ, एक बहुत बड़े इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त को
समुद्रगुप्त के कारनामों को देख करके उन्होंने उसको नेपोलियन की संज्ञा दी थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव डायनेस्टी ने करवाया था, पल्लवों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 का समय था ये। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान आमिर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल, जनरल अबुल कलाम आज़ाद, जनरल ये वाला जनरल है वो, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था? तो इनके द्वारा लिखा गया था अल हलाल, ठीक है। कॉमरेड किसी और ने लिखा था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा था, जमींदार का मेरे को याद नहीं है। तो अल हिलाल इसका उत्तर है, और शायद पर्सियन या उर्दू में लिखा था, पर्सिया में लिखा था, पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी? तो बड़ा सिंपल है, 1925 में की थी, ठीक है। शिवपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिवपुर आप लोग जानते हैं एकमात्र नदी है जो ऊपर के हिस्से में बहती है, चंबल, और चंबल संभाग ही बोला गया इन तीनों जिलों को, शिवपुर, भिंड, मुरैना, ठीक है। तो चंबल हो जाएगा इसका उत्तर। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है, बी जलप्रपात पचमढ़ी में है, डचेस जलप्रपात पचमढ़ी में है, रजत फॉल पचमढ़ी में है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? अब दो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली, एक मालवा की गंगा होती है और एक मध्य प्रदेश की गंगा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गंगा हमारी बेतवा है, प्रदूषण की वजह से बोला गया है उसको, ठीक है, प्रदूषण की वजह से गंगा नाम दे दिया। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रदूषण के नाम से गंगा को फेमस कर रहे हैं हम लोग। तो प्रदूषण की वजह से बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं, और मालवा की गंगा प्रदूषण की वजह से ही सिपरा हो जाएगी। बहुत प्रदूषण हो गया सिपरा में, बिल्कुल ही पैक कर दी है उसको, बहती हुई लगती ही नहीं है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुओं में यूनाला किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतुओं को यूनाला कहा जाता है, मानसून ऋतु को चौमासा कहा जाता है, और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? सियाला कहा जाता है, सियाला। मध्य प्रदेश औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है आप लोग जानते हैं। संजय ताप विद्युत ग्रह आपको उमरिया में मिल जाएगा, ठीक है, उमरिया में है संजय ताप विद्युत ग्रह। उसके बाद इनमें से कौन से ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है ना। तो किसकी नहीं लगती? पन्ना की लगती है, सतना की लगती है, राजगढ़ की नहीं लगती। राजगढ़ आप लोग जानते हैं सिंपल, ये वाले हिस्से में यूपी आता है और राजगढ़ हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, उज्जैन संभाग में। सहारिया जनजाति संग्रहालय, देखो संग्रहालय पूछ रहा, सहारिया जनजाति आपको यहाँ साइड पे मिल जाएगी, ठीक है। तो संग्रहालय आपको कहाँ पे मिलेगा? शिवपुर में मिलेगा, स से शिव, ठीक है, संग्रहालय। तो आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्वालियर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। विंध्य शैलों में जिसका बृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन में? सब लोग जानते हैं चंबल घाटी गली इरोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बीहड़ बनते जा रहे हैं उनसे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का कहाँ पे? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बेनिगुला जो करंट है वो शीतल है दक्षिण अटलांटिक की। ये टफ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, सब याद रखना मुश्किल रहता है, इतनी सारी धाराएं तो उनको रटना पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है बेकाल झील, और रशिया में आती है शायद ये। अति गहरी महासागरीय द्रोणीय ट्रेंच जिसमें पाई जाती है, मराइना ट्रेंच है सबसे गहरी पूरे विश्व की। मराइना ट्रेंच क्या होता है? जो समुद्र के अंदर खाई होती है ना, उसको ट्रेंच बोला जाता है, इंग्लिश का ज्योग्राफी का शब्द है ये। तो आपको मिल जाएगी वो प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है भैया? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से मध्य प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, देखो ये वाले प्रश्न में समझने वाली बात है। दक्षिणी गोलार्ध बोले तो सदर्न हेमिस्फीयर, और भारत आता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर जिसमें भारत आता है उसमें सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को, ठीक है। तो जून के महीने में यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो ठंड के दिनों में यानी कि दिसंबर के दिनों में, इसके उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? दिसंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। तो ऐसे लॉजिक से भी हो जाता है सवाल। दक्षिण गंगोत्री क्या स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कोई नदी नहीं है, ठीक है, नदी से नाम जरूर डिराइव है, अंटार्कटिका में हमारा भारत का रिसर्च स्टेशन है, ठीक है।
बढ़िया प्रश्न था। आगे चलते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सारी पर्वत श्रृंखला है मोटी मोटी यूरोप अफ्रीका की तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आल्प्स माउंटेन रेंजेस है सबसे यूरोप की अल्प्स है, ठीक है। और एंडीज आपको मिल जाएगी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रॉकी मिल जाएगी आपको नॉर्थ अमेरिका का, हिमालय भारत और एशिया में बोल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आप लोग जानते हैं, देखो नील नदी अफ्रीका में बहती है, और मिसिसिप्पी जो है वो भी साउथ अफ्रीका में ही साउथ अमेरिका में बहती है, लेकिन सबसे बड़ी है जो अमेजोन है, और नाइल नदी पूरे विश्व की सबसे बड़ी वो है लंबी, और सबसे बड़ी विश्व की अमेजोन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका में अमेजोन हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, तो केरल में आपको मोनोजाइट सैंड के अंदर आपको यूरेनियम के पार्टिकल्स मिलते हैं केरला के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होगा, तो ये देखो महाधिवक्ता जो होता है वो सरकार के आने से बदलते रहते हैं, तो इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्लेजर पर डिपेंड करता है, राज्यपाल के प्लेजर पे वो अपने सरकार जितना बोलेगी बदलना है तो बदल जाते हैं, ठीक है। और अभी पुरुषेंद्र कौरव साहब जो हैं वो अभी करंटली हमारे महाधिवक्ता है मध्य प्रदेश के, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है इनका, ठीक है ना, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, ये एक पद बना दिया है और सरकार अपॉइंट करती है अपने आदमी को। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था, ये 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था, तारीख पूछ ली थी, इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1972 में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो जुलाई 94 में किया गया था, ये भी टफ क्वेश्चन है, 94 जुलाई। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना, कल की टेस्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है, अब तो मुझे लगता है कि आपको भी याद हो गया होगा 61 में। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाते हैं, तो हर 5 वर्ष में किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो लोक सेवा के कर्तव्यों का उल्लेख आपको 320 में मिल जाएगा, और 315 में UPSC मेंशन है, आर्टिकल 315 में, ठीक है ना, तो 320 में आपको कर्तव्य मिल जाएंगे। टफ क्वेश्चन अगेन, आर्टिकल याद रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला पहला देश है, तो भोपाल आप लोग जानते हैं, 2 साल पहले की घटना है ये, ठीक है, 2 साल पहले का करंट अफेयर है, लेकिन अब करंट अफेयर नहीं रहा वो, अब तो मध्य प्रदेश के GK में ही जुड़ गया है वो। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई, तो जबलपुर में की गई, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया, तो सूर्य प्रताप सिंह परिहार साहब को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, करंट अफेयर। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, तो टीकमगढ़ से रहे हैं, इनका नाम मैं भूल गया अभी, आप लोग चेक कर लेना एक बार। भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो देखो साम्यवादी आपको घटना साम्यवादी सरकार आपको पश्चिम बंगाल, केरला और थोड़े से साउथ इंडिया के पार्ट में देखने को मिलेगी, तो इनकी जो सरकार सबसे पहले बनी थी केरल में बनी थी, कब बनी थी पहली बार, 1957 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट न्यायालय कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू होता है, तो कार्रवाई लंबित होने की दिशा में प्रतिषेध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोहिबिशन। अब 5वें रिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको किसी दिन मौका मिले तो वीडियो में बना के समझाऊंगा, ठीक है ना, पूरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ, एग्ज़ाम्पल के साथ, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इनको समझने का कॉन्सेप्ट रहता है, ये रटना नहीं है, ये रटना मत आप लोग, ठीक है ना, 5वें रिटों को समझ लेना, उनके एग्ज़ाम्पल देख लेना, तो आपके सवाल निकल जाएंगे सारे, ठीक है। हिबस कॉर्पस मैंडमस क्यू वारंटो और सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन, ठीक है। भारतीय संविधान प्रोहिबिशन क्या होता है कि अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को दी जाती है, जब लोअर कोर्ट ज़्यादा एक्सेसिव कोई एक कोई जैसे कोई कोई मामला है उसमें ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन दे दिया लोअर कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके उसके जो ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन दिया उसको कैंसिल भी कर सकती है और पूरा पुनः स्थापित भी कर सकती है, तो इसलिए प्रोहिबिट प्रतिषेध बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट से मिलता है, और वैसे सर्टियोरारी भी उत्प्रेषण भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट की तरफ होता है, लेकिन सर्टियोरारी रोकता नहीं है, प्रोहिबिशन रोक देता है, मतलब रोकता तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है माइनर, तो किसी वीडियो में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आधे पौन घंटे का लेक्चर, तब देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन जब आया था 1976, ठीक है, कौन हमारा जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है 42 में, 3 शब्द जोड़े थे उसमें, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी,
ठीक है, 1976 की बात है ये, इंदिरा गांधी की सरकार, ठीक है, समाजवाद चरम पे था जब। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो एकमात्र कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, प्राकलन समिति, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर रहते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और सबसे बड़ी कमेटी भी यही है सांसद की। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में आप लोग जानते हैं, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 93 और 94 में आया था। तो सिंपल क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि सरकार सिक्योरिटीज़ डाल देती है मार्केट में, तो सिक्योरिटीज़ डाल देगी तो लोग सिक्योरिटी खरीद के रख लेंगे, तो मार्केट से पैसा सक हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे अगेन एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर और एसएलआर ये दो चीज़ें होती हैं। तो सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व रेखो, आरबीआई अपने बैंकों को बोलता है कि आपको अपने इतने पास में कैश रखना ही रखना है, वो इसलिए बोलता है ताकि बैंक पैसा लेके भाग नहीं जाए, बैंक ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब सॉरी बैंक रन नहीं हो जाए, तो कैश अपना उनको इतना रिजर्व रखना पड़ता है, इसको लोन पे नहीं चला सकते, मार्केट में नहीं चला सकते। वैसे एसएलआर भी होता है, इसमें सिक्योरिटी इनको रखनी होती बैंकों को, तो सीआरआर रखेंगे, सीआरआर अगर बढ़ा देते हैं मतलब कैश अब बैंक अपने पास रखेगी, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को रखने के पास अपने पास रखना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बढ़िया दोनों। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पुरानी टेस्ट का क्वेश्चन है, 2006 से स्टार्ट हो गया है ये। विशेष आर्थिक SEZ जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप S6 याद रख लेना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन S6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक साख प्रदान करती है? तो ये स्टार क्वेश्चन है, देखो सबको लगता है सहकारी और ग्रामीण बैंक होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अभी भी कमर्शियल बैंकों का ही है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों का ही है। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, ये मैं 25 बार चेक कर चुका हूँ, बहुत बार गलत भी किया है मैंने क्वेश्चन को, इस वजह से मेरे को क्लियर हो गया। RBI का मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई, मुंबई हमारी कमर्शियल मॉनेटरी कैपिटल है भारत की। मीथेन जिसका वायुमंडल में उपस्थित है, मंगल में मीथेन के अवशेष या मीथेन पाई गई है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोविलियन जलीय विलियन है सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है, यदि यान, ये क्वेश्चन अधूरा है वैसे तो, ये अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से अगर एक सेब छोड़ा जाता है तो उसका क्या होगा सेब का? तो ये सेब का अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हल्की या भारी, अगर हम इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं हाथी को और चींटी को दोनों को साथ में अगर फेंकूँ तो कौन पहले पहुँचेगा? ठीक है ना, तो ये इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते थे, तो वही कॉन्सेप्ट था, तो आपको बताना है कि क्या लगेगा इसमें। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड को चाइना ने शुरू कर दिया है, भारत में भी टेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए तो बादलों में एरोप्लेन से ये सिल्वर आयोडाइड और एक दो केमिकल और डाल देते हैं, तो उससे बादल बन जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। निम्नलिखित में से तो जंगल वंगल की आगों को रोकने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो आप इंटरव्यू में ये बता सकते हो बात। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सिंपल क्वेश्चन है, प्राकृतिक वास का निवास विनाश, कोई दिक्कत ही नहीं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर झुक जाता है, उसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, इनर्शिया का लॉ, न्यूटन के नियम लग रहे हैं यहाँ पे। बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है बायोगैस में, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए, अम्ल वर्षा निम्न वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो नाइट्रस, कल रिपीट गेट क्वेश्चन है, NO2 और SO2 की वजह से होता है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, इनफैक्ट 19 के पेपर में आया था, लास्ट पेपर जो भी हुआ था उसमें आया था। यूरो नॉर्म्स बनाए गए थे, तो यूरो नॉर्म आप लोग जानते हैं, जो हमारा BS6 चल रहा है आजकल, BS6 और BS4, वैसे ही यूरो नॉर्म्स पे आधारित हैं वो, तो वो इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है, वाहनों की नकली निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है ना, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर है? काउंसिल पूछ रहा है वो परिषद, तो देहरादून में, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक जो है वो लिखी है आपके बराक ओबामा साहब ने, और राज्य राहुल गांधी के बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर दिया था, तो किताब चर्चा में थी ये। किस राज्य ने अभियान एक मास कनेक्ट जिंदगी शुरू की? तो मेरा मध्य प्रदेश ने की है।
किस देश ने विश्व का सबसे शोर बड़ा शोर विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर भारत है, सॉरी ये वाला भारत है हमारा। हाल ही में कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया, आप किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश ही हैं, ठीक है। दुर्गादास उइके का लोकसभा क्षेत्र जो है बैतूल है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का पहला हर घर जल राज्य बना है कौन, बना है हर घर जल, तो गोवा में ये चीज़ हो चुकी है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया गया, तो रोहतांग दर्रे पर किया गया है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अटल टनल कर दिया, ठीक है। स्पीति वैली। आगे चलते हैं, भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू हुई थी, तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। किसने फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है, ठीक है, आधार मूल्य बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप कॉन्सेप्ट है, तो केरल ने ये किया है, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा किस वर्ष हांगकांग को चीन को सौंपा गया था, तो ये अंग्रेज़ों ने पूरी लड़ाइयाँ फैला करके रखी है हर जगह पे। इजराइल पैलेस्टीन का इशू अंग्रेज़ों ने पैदा किया, इंडिया पाकिस्तान का अंग्रेज़ों ने किया, और हांगकांग चाइना का इन लोगों ने किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 97। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये पिछली बार का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो आईटी एक्ट जो है 2000 का है, बड़ा ही फेमस, 2001 का नहीं है, आप ये इस बार भी आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग में जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो HTML यूज़ होती है वेबसाइट वगैरह में। कौन सी है भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग, भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है, लेकिन भारतीय थोड़ी ना है, तो कू ऐप है, ये राधाकृष्णन साहब इसके फाउंडर हैं। किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करी है उड़ीसा ने एक बढ़िया काम किया है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन, आपको सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। किसने भारत का पहला पॉकेट पॉइंट ऑफ सेल, अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपने देखी होगी कि कार्ड से जो पेमेंट करते हैं ना स्वाइप करके, छोटी सी पेट्रोल पंप वालों के हाथ में रहती है, अलग अलग जगह पे रहती है, उसको POS मशीन बोलते हैं, तो पेटीएम ने बनाई है भैया पॉकेट POS। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है, ये क्वेश्चन ही गलत था थोड़ा सा, है ना, मतलब स्पाम इसका उत्तर हो जाएगा वैसे, लेकिन इसमें टेक्निकल एरर है ऑप्शन में, तो छोड़ते हैं अपन इसको। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने, देखो कंपनी पहला सुपर कंप्यूटर कंपनी IBM आएगी, ठीक है, के क्रेवन सुपर कंप्यूटर हो सकता है लेकिन कंपनी IBM आएगी, तो इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी, ठीक है, मतलब मैं इसको गलत फ्रेम हुआ है क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं। MAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का होता है फुल फॉर्म MAN, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई गूगल के हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, टिम कुक जो है वो आपके इसमें वेबसाइट है, क्या बोलते हैं उसको, घूमने वाली वेबसाइट का नाम मैं भूल गया, सत्य नडेला हैं CEO माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। yatra.com वगैरह का है टीम कुक शायद, यात्रा या कुछ तो भी है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है लगा मुझे, ठीक है, यह आ सकता है। पेटीएम एक अच्छी कंपनी है, अभी सरकार के साथ भी बहुत इसके टाइप हो रहे हैं, तो 2009 में पेटीएम आई थी और 2007 में शायद आपकी फेसबुक बनी थी, चेक कर लेना फेसबुक का, लेकिन पेटीएम 2009 में थी। मानवाधिकार आयोग की धारा 3 में क्या है, तो एक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दे रखा है धारा 3 में। निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, तो देखो पहली बात तो ये कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होता है और दो कमिश्नर होते हैं, तो तीनों का कार्यकाल का जो गणित है वो सेम है, ठीक है, कंफ्यूज़ नहीं होना है। कुछ किताबों में आपको 62 मिल जाएगा, 62 नहीं है इसका आंसर, 6-65 ही है तीनों के लिए, ठीक है, मैं चेक कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, 6-65 ही है इसका दोनों का। और एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर इन तीनों में अगर असहमति बनती है किसी मुद्दे को लेकर के, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं सुनी जाएगी, मेजोरिटी से मुद्दा सॉल्व होगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय महिला आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो राष्ट्रपति नहीं करेगा, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए, राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो केंद्र सरकार, राज्य है तो राज्य सरकार को करेगा, ठीक है, केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसका, राज्य है तो राज्य को सबमिट करेगा। CAG की प्रतिवेदन किस, प्रतिवेदन बोले तो रिपोर्ट,
तो आर्टिकल समझ लेते हैं सीएजी के। जो आर्टिकल है, चार आर्टिकल में सीएजी बसा हुआ है। 148 में सीएजी है, 149 में उसकी ड्यूटीज़ है, ठीक है। 150 में आपको उसके अकाउंट्स के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 150 में, और 151 में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बोल रहा है वो, ठीक है। उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया साहब थे। एनजीटी इनमें से किन जगहों पर इसकी शाखा नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। एनजीटी आप लोग जानते हैं, एनजीटी चार जगहों पर बनाया गया। एक भोपाल में, सेंट्रल इंडिया का पूरा मीटर देखेगा ये। दूसरा बनाया गया कोलकाता में, तो ये ईस्ट इंडिया का पूरा देख लेगा, ठीक है। तीसरा बनाया गया चेन्नई में, तो ये साउथ इंडिया का पूरा देख लेगा। और एक बीच में बनाया गया पुणे में, ठीक है, तो पुणे का ये पूरा मीटर देख लेगा। तो इस हिसाब से, और सबसे ज़्यादा जंगल ही आप लोग नॉर्थ इंडिया में, तो हिमालय वाला पूरा काम ही अलग है। तो न्यू दिल्ली में उसकी मेन ब्रांच है एनजीटी की, तो न्यू दिल्ली में तो देखेगा ही देखेगा। नॉर्थ इंडिया का पूरा काम न्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो इस हिसाब से सरकार दिमाग लगा के पूरे भारत को कवर कर लिया चार जगह बिठा के। तो कहाँ पे नहीं है, मुंबई में नहीं है, पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक टफ क्वेश्चन हो जाता है ये। इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 2007, ठीक है। तारीख के साथ अगर कोई पूछ ले तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है उसमें, अगर ईयर सेम रहे तो, ठीक है। तो टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हबीबुल्ला साहब पहले मुस्लिम है, ठीक है, पहले मुस्लिम हबीबुल्ला साहब हैं। और अभी नए बना दिए गए 6 महीने पहले, यशवर्धन कुमार सिन्हा, वाई के सिन्हा साहब, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, इसका आंसर 9वां हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का अगर मैं आपको तरीका बताऊँ, आपने अगर एक्ट जो कमीशन सही से पढ़े, तो आपने एक जानकारी होगी कि 1993 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना था, और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो ठीक है, तो 5 साल का होता है, तो आप 2021 तक अगर लेकर के आते, 5-5 साल जोड़ करके, 5-5 साल जोड़ करके, तो आपका उत्तर आ जाता। ये 93 के आसपास ही कभी बना, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ। तो 9th हो जाएगा इसका आंसर, 9वीं हैं रेखा शर्मा मैडम, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।